गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अकरम हुसैन अनलॉक योर माइंड पावर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं जो महाराष्ट्र से हैं, सार्थक इनका नाम है। क्या इन्होंने पाया है, क्या क्या इनके अंदर चेंजेस आए हैं हमारे इस बेसिक प्रोग्राम से, हम अभी इनको कुछ पढ़ने के लिए दे देते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं। सार्थक बेटा, आप कुछ पढ़ लीजिए ताकि आप सुना सकें, कुछ पढ़ लीजिए। जब तक ये पढ़ रहे हैं हम बात कर लेते हैं। ये हमारे बेसिक क्लास के एक स्टूडेंट हैं, अभी इनकी आई थिंक 10 क्लासेस कंप्लीट हुई हैं, 10 डेज अभी इनको हुए हैं, आज हम इनकी वीडियो शूट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या देने जा रहे हैं, हम आपके सबकॉन्शियस माइंड पर प्रोग्राम कर रहे हैं, हम आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, हम आपके बच्चे के माइंड को निखार रहे हैं, हम उसकी उस प्रतिभा को सामने ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं खो चुकी है। आपका बच्चा ध्यान रहे एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, वो कुछ भी आराम से लर्न कर सकता है, उसको किसी भी चीज को लर्न करने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता, सब चीजें वो यूं ही आसानी से याद कर सकता है। क्योंकि अगर बात करें क्वांटम स्पीड रीडिंग की, तो ये दुनिया की एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से बच्चा किसी भी चीज को एक बार पढ़ने मात्र से याद कर सकता है। लेकिन आज की तारीख में हमारे भारत में ये बिल्कुल नई टेक्निक है, जिसकी वजह से जिसको लोग जानते नहीं हैं और बच्चे उसको यूज नहीं कर पाते। अगर आपके बच्चे को इस प्रोसेस से, आपका बच्चा अगर इस कोर्स को कर लेता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा वो बड़े से बड़े एग्जाम को चुटकी बजाते ही आराम से निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीजें उसके माइंड के अंदर होती हैं, सब चीजें, जब उसके मन में चीजें चलना शुरू होती हैं। आप ध्यान रखें, आपके बच्चे के माइंड में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स एक दिन में आती हैं। जब वो 60,000 थॉट्स को लेके चलता है, तो कैसे करके वो किसी भी चीज को याद कर पाएगा? प्रॉब्लम ये है, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से उसके माइंड के अंदर जब वो अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसकी थॉट्स लेवल डाउन हो जाता है, तब उसकी जो इमेजिनेशन होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपका बच्चा जब पढ़ता है और उसके बाद रिकॉल करता है, जिस तरीके से एक मूवी 3 घंटे की आराम से बच्चा याद कर लेता है, उसी तरीके से उसकी स्टडी भी उसी मूवी की तरह होने लगती है, वो सब चीजों को बहुत आसानी से याद कर लेता है। इस प्रोग्राम से मिलने वाला बेनिफिट जो है वो ये है कि जो चीज आपका बच्चा 20 से 30 घंटे में पढ़ के याद कर पाएगा, वही चीज वो 1 से 2 घंटे में लर्न कर लेगा। इस प्रोग्राम की पहली खासियत है उसका कॉन्फिडेंस पीक पर होगा, उसका कॉन्फिडेंस पीक पर होगा। अगर वो 50% लाने में सक्षम है, 45% वाला है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा वो 90% से अबव जाएगा, 90% से अबव जाएगा। बस आपको अपने बच्चे की प्रतिभा को समझना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे की प्रतिभा को समझना पड़ेगा, उसके सपनों के लिए आपने उसको आगे ले जाना पड़ेगा। वो कल का फ्यूचर है, उसके फ्यूचर को आपने बनाना है, आपने बनाना है। सार्थक पढ़ लिया बेटा, ये रिकॉल करें। तो उसकी चीजों को आपने समझना पड़ेगा। आज लॉकडाउन के समय में आप देखिए आपके बच्चे की हाल क्या हो रहा है, उसकी स्टडी का मैटर सब कुछ खराब हो चुका है, स्टडी का पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। आज के लिए आपके बच्चे के लिए ये कोर्स बहुत स्पेशल है। हम इस कोर्स में आपके बच्चे को कुछ पढ़ाते नहीं है सर, आपके बच्चे के माइंड को प्रोग्राम करते हैं, उसके टीचर्स को बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं, लेकिन वो याद कैसे रखे हम उसको ये सिखाते हैं। एक बार में पढ़ के किसी चीज को हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में कैसे सेव करे हम उसको ये सिखाते हैं। आपका बच्चा सब कुछ कर सकता है, आपका बच्चा सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा है, बहुत बड़ी प्रतिभा है। बेटा हो गया, सुनाइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहां से हैं ये बताइए, फिर आपने जो पढ़ा उसको सुनाइए। माय नेम इज सार्थक वैद्य, आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र, आई एम स्टडीइंग इन द सीडीएस स्कूल काटोल रोड नागपुर, एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट चैप्टर 1 ऑफ माय फिजिक्स बुक दैट इज मैटर। सो लेट्स स्टार्ट। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। Matter is all around us in many several forms, such as table, chair, wall clock, or wristwatch, or clothes, etc. So the kinetic theory of matter is that each particle of matter has an interparticular space present within them.
there is a force of attraction between present between them, that is interparticular force of attraction. The force is negligible in gases, medium in liquids, and high in solids. And interparticular, there is a space present between each particle, that is interparticular space, which is high in solids and low, which is low in solids and high in gases and medium in liquids. So the three states of matter are solid, liquid and gas. So solid have definite shape and definite volume. They cannot take the shape of any container because the particles are tightly packed, and in liquids they have definite shape and definite volume. So the particles can take the shape of any container which they are poured into. And liquids are also known as fluids because they can, liquids can flow. And gases also are known as fluids because they also can flow. They spread quickly, so therefore if there is any gas leakage, so we can smell it very quickly. And there are some more chemical changes in matter, that is one of them is melting. So when we give heat to an solid, for example ice, when we heat up ice, so it forms liquid. And when we freeze the water which is converted, when we heat ice, it forms liquid. And when we cool the liquid, it forms again solid. And if we will heat the liquid more, so it will form gas. And if we will cool it, so it will again form liquid. And there is also a process known as sublimation, in which solid directly forms gaseous state. Camphor and dry CO2 undergoes sublimation. हो गया? Very good. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. कैसा लग रहा है अभी बेटा? सर अभी अच्छा लग रहा है. अभी जब रिकॉल कर रहे थे आप, तो आपको क्या लग रहा था, कैसा आ रहा था? सर ऐसे मूवी जैसा लग रहा था. कॉन्फिडेंस अब कैसा है? सर अब बहुत हाई लग रहा है. वेरी गुड. आपके जो साथ के, आपके जैसे जो बच्चे और आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? सर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यानी मैंने तो बहुत ही ज्यादा चेंज देखा है मेरे अंदर. यानी मुझे पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा स्पीड आ गई है. जो मुझे बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ता था, तो वो अब बहुत ही जल्दी हो जाता है. तो मुझे बाकी चीजों के लिए भी टाइम मिल जाता है. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. बम्मा को दीजिए अपने. जी मैम, अभी कैसा लग रहा है आपको, आपके बच्चे का परफॉर्मेंस देख के? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है. ओके. आपका बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे और बच्चों से जो आपके बच्चे की वीडियो देख रहे हैं, और पेरेंट्स क्या इस तरीके के प्रोग्राम उनके बच्चों के लिए भी हेल्प कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली सर, अगर एकादा सब्जेक्ट अगर उनको पसंद नहीं आ रहा होगा, तो वो भी पसंद आना शुरू हो जाता है. जैसे सार्थक को हिंदी पसंद नहीं आता था पहले, अभी सार्थक उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है. ओके. अच्छा, बाकी अब इसकी लर्निंग कैसी हो रही है, पहले से काफी बढ़ गई है? हाँ काफी बढ़ गई है, और टाइम भी बच रहा है, तो अदर एक्टिविटीज के लिए टाइम मिल पा रहा है सार्थक को. बहुत 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 बढ़िया. यानी कि और माँ बाप को भी इस तरीके के अपने बच्चों को कोर्सेज दिलाना चाहिए. डेफिनेटली सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके. मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि हर बच्चे की हेल्प हो सके. मैं चाहूंगा यहाँ पर अगला बच्चा आपका हो. क्या आप नहीं चाहते आपका बच्चा भी कुछ इस तरीके का परफॉर्म करे? अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा टॉप करे, तो आज ही संपर्क करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.